नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों ने शायद कभी अभी नहीं सोचा होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी उन्हें इस कदर भुला देगी। डुबड़ी कटसरी प्रखंड अंतर्गत मसूदपुर करड़िया पंचायत के योगिया लालगढ़ के लाल शहीद प्रेम ठाकुर के स्मारक देख रेख के अभाव में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब सिर्फ शहीदों की स्मृति में लगाए गए सबूत दिखाई दे रहे हैं। 2003 में शहीद प्रेम ठाकुर की लालगढ़ चौक हाई स्कूल समीप शहीद की अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद की यादगार के लिए स्मारक के तौर पर बोर्ड लगाया गया था, जो कुछ वर्ष बाद पूर्ण रूप से खत्म हो गया, जिस पर आज तक न कभी प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और न ही कभी गांव के पंचायत ने। यही देखते हुए पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे शहीद का स्मारक अच्छी तरीके से बन सके, शहीद स्मारक को सवारा जाएगा और भव्य स्मारक बनाया जाए को लेकर मांग की है। अच्छा से नहीं बन पाया है और थोड़ा मोरा जो छोटा सा जो बोर्ड लगाया गया था वहाँ पे, और नाम के तौर पर नाम लिख करके वहाँ पे बोर्ड टांग दिया गया था, और बोर्ड टांगने के बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद सही से नहीं बन पाने के कारण और देख रेख अभाव के कारण वह स्मारक जो है कि कुछ दिनों बाद ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया, और वहाँ पे क्या है कि खंडर में तब्दील हो गया है वह स्मारक। ये कहीं से ना कहीं से हमारे एक देश के रक्षा करने वाले को ये सोचे भी नहीं होंगे कि इस प्रकार से हमारे आने वाला पीढ़ी या हमारे समाज के लोग इस कदर से कर पाएंगे। क्या है कि शहीद प्रेम ठाकुर ने वो हमारे रक्षा के लिए उन्होंने शहीद हो गए, लेकिन क्या हुआ कि हम उनको स्मारक की रक्षा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे और यहाँ के लोगों को जिम्मेदार समझा जाए कि जो हम उनको सही से उनके स्मारक को सलामती नहीं दे पाए। और मैं प्रशासन और जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, जिला पदाधिकारी से, कि उस स्मारक को जल्द से जल्द हो सके तो बनाया जाए वहाँ पे, क्योंकि हमारे देश में वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की दिल में देश प्रेमी का भावना जग सके, और जब तक ले हम उस पर जागरूक नहीं होंगे तब तक ले ये स्मारक जल्द से बनना संभव नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.